दिनारा में गणेश उत्सव और ढोल के आरस को लेकर मंगलवार शाम को पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में थाना प्रभारी राम राजा तिवारी ने पधारे और लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि सभी लोग गणेश उत्सव का त्यौहार सभी हर्षोल्लास के साथ मनाएं, साथ ही प्रतिमा स्थापना और विसर्जन को लेकर चर्चा की गई। दिनारा थाना प्रभारी राम राजा तिवारी ने समिति के लोगों से जानकारियां ली और सुरक्षा व्यवस्था की बात भी कही। त्योहारों को देखते हुए गणेश त्योहारों को देखते हुए रखा गया है, शांति व्यवस्था बनी है और आयोजकों की मीटिंग की गई है जिसमें सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाए। इस समय सर लगातार सीपरी जिले में बहुत सारी व्यवस्थाएं प्रशासनिक तौर पर अलग अलग तरह से बनी हुई है, धारा 144 लगी हुई है, उसके तहत दिनारा में किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, किस तरह से भीड़ भाड़ के कोई कार्यक्रम अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम तो नहीं होगा, वो तो जिस तरह की 144 का पालन करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से त्यौहार मनाया जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं। और आपका सर इस तरह इस क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति और क्रांत के बारे में आपको पूर्व से ही जानकारियाँ हैं, जो आप नए आए तो इस समय आपकी क्या स्थितियाँ रहेंगी, आपके जो स्टाफ है इसके साथ पुराना कुछ स्टाफ होगा नया होगा, इसके साथ किस तरह से तालमेल बनाकर कार्य करेंगे? सभी के साथ पब्लिक और पुलिस के साथ तालमेल बना के और अपराधों पर एम्फसिस लगाएंगे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे।